लाइक सारा कुछ मतलब दिखाइए मेरे ऑडियंस को और मेरे ऑडियंस को एकदम मोटिवेशन जगा दीजिए फेसबुक पे काम करने के लिए। देखो अगर मोटिवेशन की बात करो तो मैं ये बता देता हूँ 8 मंथ पहले, ठीक है? तो 8 मंथ से मैं क्या क्या अचीवमेंट किया हूँ सबसे पहले वो सुन लो, और मैं फोटो भी दूंगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। पहले मैं लिया था एक DSLR का कैमरा, वो 30,000 का पड़ा। एक 20,000 का लेंस लिया, ठीक है? एक 20-22,000 का फ़ोन है, ठीक है? उसके बाद मेरा एक स्टूडियो बनाया छोटा सा, उसका भी मैं फ़ोटो दे दिया। और अब मैं थोड़ा गाड़ी वगैरह की अभी ट्राई कर रहा हूँ लेने के, ठीक है? तो वो भी हो जाएगा। और मेरा जो अंथली मतलब मंथली इनकम की बात करूँ तो इस मंथ मेरा आया है 5,000-10,000 रुपये स्पॉन्सरशिप से निकल रहा है। मतलब यार 1 लाख के करीब इनका हर मंथ पेमेंट आ जाता है, जो कि यार फेसबुक पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं और इतना अच्छा खासा भाई रेवेन्यू निकाल रहे, ठीक है? हर मंथ 1-1 लाख रुपया बहुत ही ज्यादा होता है। तो सो गाइस फिर से एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो यार बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना हम लोगों ने भाई जिस गेस्ट को बुलाया वो गाइस फोटो उसको डाल के अच्छा खासा अर्निंग करता है और इनके पास मल्टीपल मोनोटाइज पेज है और ये बिना ग्रुप पे शेयरिंग कर बिना मतलब कोई भी ग्रुप पे शेयरिंग नहीं करते अपने फोटोज को, और यार अपने फोटोज पे अच्छा खासा भाई लाइक लाते हैं और अपने फोटोज को वायरल भी करते हैं। और कौन सा कॉन्टेंट अपलोड करते मतलब किस टाइप का फोटो अपलोड करते ना, सारा कुछ आज की वीडियो में आप लोगों पता चलेगा। और आप लोगों को गाइस रिक्वेस्ट है कि आज का ये वीडियो पूरा आप लोगों को एंड तक देखना है, आप लोगों को A to Z पूरा जानकारी मिल जाएगा कि आप लोगों को फोटो लाइक कहां से लेना है, लाइक कैसे उनको एडिटिंग करना है और कैसे अपने फोटोज को वायरल करना है और कैसे बोनस को भाई लेना है, ठीक है? और भाई का मैं आप लोगों को अर्निंग भी दिखाऊंगा कुछ पेजेस का, और भाई के पास बहुत सारे मोनेटाइज पेज है और हर पेज से ना अच्छा खासा भाई अर्निंग कर लेते हैं भाई, ठीक है? तो मैं भाई को बुलाना चाहूंगा। भाई आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। बाकी भाई सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए और आप कहां से हो, नहीं हो, ठीक है? आप सारा कुछ मेरे ऑडियंस को बताइए और अभी के टाइम पे आप क्या-क्या वर्क कर रहे हो ये मेरे ऑडियंस को बताइए। सो गाइस मेरा नाम है दानिश और मैं रहने वाला हूं वेस्ट बंगाल पुरुलिया जिला से, ठीक है? तो इस जैकेट मतलब जातिन के चैलेंज पर मैं सेकंड बार इंटरव्यू दे रहा हूं। मैं आया था एक बार 8 मास पहले आया था, तो उस टाइम से मैं अभी तक अर्निंग कर रहा हूं, ठीक है? कंटिन्यू मेरा अर्निंग हो रहा है। मेरा देखो एक बोनस से अर्निंग हो रहा है और दूसरा हो रहा है स्पॉन्सरशिप से। तो बोनस से मेरा अच्छा खासा इनकम हो रहा है अभी के टाइम पे, और स्पॉन्सरशिप से भी मैं डेली का अर्निंग कर लेता हूँ। तो भाई देख सकते हो मतलब फेसबुक पे भी काम करते हैं, लाइक फेसबुक पर स्पॉन्सरशिप भी भाई लेते हैं, ठीक है? मतलब अपने पेजेस पे ब्रांड का स्पॉन्सरशिप भी करके ना अच्छा खासा यार अर्निंग कर लेते हैं। बाकी बात आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को कैसे बोनस मिलेगा और अब कैसे आप अपने फोटोज को वायरल करोगे, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरे फोटोज पे लाइक नहीं आ रहा है, मेरे फोटोज वायरल नहीं हो पा रहे ना, इस वजह से यार मैं भाई से सारा कुछ पूछूंगा कैसे अपने भाई को कैसे अपने फोटोज को वायरल करते हैं, ठीक है? बाकी बात भाई सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी के टाइम पे आप कितने सारे पेज को मैनेज करते हो, लाइक कितने सारे पेज आपके अभी के टाइम पे मोनेटाइज है? भाई मेरा जो बोनस है, बोनस मेरा 5 पेज अभी मोनेटाइज है, ठीक है? तो उस पर अच्छा खासा डॉलर डेली का बन रहा है। और मैं फोटो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं फोटो अपलोड करता हूँ, एक 18+ वाले अपलोड करता हूँ और जो चैलेंज बना नहीं रहता वो वाला अपलोड करता हूँ। उस सब में क्या होता है विदाउट ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट आ जाता है, ठीक है? और मेरा जो डॉलर बनता है वो अच्छा खासा डेली का बन ही जाता है। तो भाई देख सकते हो मतलब 5 पेज को भाई मैनेज करते हो और 5 पेज का यार अच्छा खासा भाई को डॉलर बन जाता है, ठीक है? बाकी और भाई आप ये बताइए कि ये जो फोटोज रहता है ना, ये फोटोज आप लेते कहाँ से हो, लाइक क्या सर्च करते हो एंड कहाँ से फोटोज को आप पूरा मतलब लेते हो और उसको कैसे एडिटिंग करते हो ना, ये आप मेरे ऑडियंस को बता दीजिए, जो कि अगर कोई भी ट्राई करना चाहे इस टाइप के फोटोज को अपलोड करना ना तो यार वो इजिली ले सकता है इस तरह के फोटो को। देखो भाई मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम से कोई भी वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है? और वीडियो से स्क्रीनशॉट करके फोटो बना लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं फोटो डाउनलोड करूँगा ना तो उस पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वीडियो को डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट करके फोटो बना लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? एक फोटो बनाता हूँ और 5-6 पेज पर मैं अपलोड कर देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो भाई देख सकते हो मतलब रील से ही स्क्रीनशॉट भाई ले लेते हैं और उसी को अपलोड करते हर पेजेस पे, कोई भी दिक्कत नहीं होता। ये सब चीज को आप लोगों को भी देखना है और सीखना है, समझना है भाई, सेम इसी तरीके का कुछ आप लोगों को अलग करना है, ठीक है? ये नहीं कि भाई देखो किसी से भी आप सीखते हो, किसी से भी या देखते हो ये काम कर रहा है, लेकिन आपको सेम काम नहीं करना, कुछ अलग करना है, ठीक है? उनसे कुछ अच्छा करना है, ठीक है? बाकी बात भाई ने जो तरीका बताया ये भी तरीका बहुत ही सही है, ठीक है? बाकी बात भाई जो आप ये तरीका बताया स्क्रीनशॉट लेने का एंड
एंड इसको आप एडिटिंग करते हो या फिर नहीं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर देते हो? पहले स्क्रीनशॉट लेकर अगर आपको डाउट हो रहा है तो ठीक है आप एडिटिंग भी कर सकते हो। मैं ज्यादातर एडिटिंग नहीं करता, मैं ऐसे ही नॉर्मली पोस्ट कर देता हूं, उस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि वो रील्स है ना, फोटो थोड़ी है। तो भाई देख सकते हो यार, मतलब बिना एडिटिंग के थ्रू भी आप डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि यार रील से स्क्रीनशॉट है वो, यार फोटोज तो मतलब कोई अपलोड वो कर नहीं रहा है, ठीक है? तो आप यार अपलोड करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात भाई, जैसे कि आपने बता दिया कि इस टाइप के फोटोज को मैं अपलोड करता हूं, ठीक है, एंड अपने फोटोज को कैसे आप वायरल करते हो? लाइक आपने बोला था कि कोई भी ग्रुप पे शेयरिंग में नहीं करता हूं, तब भी मेरे फोटोज पे अच्छे खासे लाइक आते हैं, और आपका हाईएस्ट एक पोस्ट पे कितना लाइक आया आप मेरे ऑडियंस बताना। बाकी आप कैसे वायरल करते हो और कैसे मेरे ऑडियंस वायरल कर पाए ना, ये भी आप मेरे ऑडियंस को बताइए। देखो वायरल करने के लिए सेम प्रोसेस है, आप ग्रुप पर भी शेयरिंग कर सकते हो, लेकिन मैं ग्रुप पर शेयरिंग नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं हैशटैग लगाता हूं, ठीक है, 5-6 मतलब 5-6-10 को हैशटैग आपको लगाना है, अच्छा अच्छा हैशटैग लगाना है। पहले जो लगाना है एफबी रील्स, एफबी फोटो और जे जे रहता है, बेस्ट फोटो, बेस्ट चैलेंज फोटो, ये सब लगाना है, और जिस कैटेगरी का फोटो डाल रहे हो उसका 2 हैशटैग डाल देना, ठीक है? और मैं बता दे रहा हूँ, मेरा एक फोटो से जो हाईएस्ट रेवेन्यू बना है वो $100 बना है एक फोटो से। तो भाई देख सकते हो एक फोटो पे हाईएस्ट $100 तक भी भाई का बना है। बाकी बात भाई ने आपको बता दिया कि कैसे अपने फोटोज पे लाइक लाना है, ठीक है? जो भाई ने हैशटैग बताया ना, अगर ये सब हैशटैग आपको अगर चाहिए, ठीक है, तो मैं अपने टेलीग्राम पे आपको ये सारे हैशटैग को प्रोवाइड करवा दूंगा, जाकर के आप वहां ये सब हैशटैग को ले लेना। बाकी जो फ्री ग्रुप रहता है ना वो सभी मैं अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन आप कर लेना, एंड वहां पे मैं फेसबुक से रिलेटेड बहुत कुछ पोस्ट करते रहता हूं, तो जाके आप ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है? बाकी बात भाई आप ये बताइए कि जैसे कि आपने बोला कि एक पोस्ट पे $100 बना है, ठीक है, तो उस पे यार लाइक कितना आया ये बताइए। मेरा लाइक तो ज्यादातर नहीं आया, मेरा लाइक आया है 12,000, ठीक है, और उसमें जो कमेंट है वो ज्यादा आया, क्योंकि कमेंट आया है 40,000। फिर आप पूछोगे 40,000 कमेंट कैसे आएगा, तो फोटो ही ऐसा है चैलेंज फोटो है, ठीक है, कोई देख के मतलब कमेंट करेगा ऐसा फोटो है, मतलब 10,000 दोस्त कितना होता है गाइस कमेंट करके बताओ, इसी तरीके से फोटो होता है, तो लोग सोचेंगे कि 10,000 तो 20 होता है, हमको तो आंसर पता है, और मैं लिख देता हूँ 99% फेल, तब सोचता है यार हमको तो आंसर पता है, तब लोग कमेंट करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, और कमेंट अगर ज़्यादा आएगा तो डॉलर भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो भाई देख सकते हो भाई ने कितना अच्छा माइंड का यूज किया है, और कितना मतलब 12,000 सिर्फ लाइक आया और 40,000 कमेंट, मतलब 12,000 का डबल से भी डबल यार इनका सिर्फ कमेंट आया, इसके वजह से एक एक पोस्ट पे यार अच्छा खासा भाई डॉलर भी बन गया, ठीक है? बाकी बात भाई ने आपने सारा कुछ बताया, लाइक कहाँ से फोटो लेना है, लाइक कैसे वायरल करना है, और सबसे एक मेन बात आप बता दीजिए कि बोनस यार कैसे मिलेगा। सब लोग परेशान रहते, बहुत लोगों को तो ये पता चल गया कि भाई कैसे बोनस मिलेगा, लेकिन बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता चला है कि यार परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है, लाइक आपको कैसे इतने सारे पेजेस पे आप कैसे ले लिए हो परफॉर्मेंस बोनस, 5 पेज पे आप परफॉर्मेंस बोनस लिए हो और 5 पेज से यार आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हो, बाकी बात आप कैसे लेते हो ये मेरे ऑडियंस को बताइए, और मेरे ऑडियंस कैसे कम समय के अंदर में परफॉर्मेंस बोनस को भाई ले सकता है ना, ये थोड़ा बताइए आप। देखो अभी जो परफॉर्मेंस बोनस चल रहा है, ठीक है, वो अभी क्या हो रहा है, अभी सभी क्रिएटर को मिल रहा है। आप एक काम करिए, आप पहले 5 पेज बना लीजिए, उस पर कंटिन्यू काम कर रहे, और जब आपका पेज 30-35 दिन पुराना हो जाएगा तब मिल जाएगा। मेरा एक वो पेज है वो 26 दिन पुराना है, उस पर भी मैं मिल चुका है, ठीक है, उस पर फॉलोवर कितना है, 300 फॉलोवर है, बताओ 300 फॉलोवर पे स्पॉन्स मतलब बोनस मिल गया मेरे को, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मोनिटाइज से अर्निंग वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हो, और जो लोगों का पेज मतलब डीमोनेटाइज हो गया है ना, जिसका पेमेंट वगैरह नहीं आ रहा है, वो सब लोग मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मतलब मैं टेलीग्राम पर स्पॉन्सरशिप देता हूँ, तो वहाँ पर जाके आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका डीमोनेटाइज हो गया तब भी आप अर्निंग कर सकते हो, और आपका मोनेटाइज है तो मैं आईडिया आपको दे दिया कि कैसे आपको पेज फोटो को ग्रो करना है, कैसे लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। तो भाई देख सकते हो भाई स्पॉन्सरशिप करके भी यार अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? और भाई आप एक एक स्पॉन्सर का कितना हाईएस्ट चार्ज किया आप मेरे ऑडियंस को बताइए। भाई हमारे साथ जो काम कर रहा है, तो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने 8 महीने पहले आया था सर के चैनल पे, ठीक है, तो अभी भी बहुत सारा बंदा वैसा भी है कि 8 महीने से काम कर रहा है और डेली का पेमेंट लेता है। कोई बंदा देखो, कोई बंदा डेली का 500 निकाल रहा है, कोई बंदा 200 निकाल रहा है,
कोई कोई बंदा एक दिन का 5,000-10,000 रुपए स्पॉन्सरशिप से निकल रहा है। तो भाई देख सकते हो एक एक दिन स्पॉन्सरशिप का 5,000-10,000 तक भी आप निकाल सकते हो, तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है डेली का यार, ठीक है। एंड में भाई आप जैसे स्पॉन्सरशिप का तो बता दिए और परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है लाइक वो भी बता दिए। और भाई आप ये बताइए कि बहुत लोग सोचते हैं ना कि भाई कोई एक जरूर एक अच्छा टाइमिंग रहता है फोटोज को डालने के लिए, तो यार बेस्ट टाइमिंग क्या रहता है लाइक आप कौन सा टाइमिंग पे अपलोड करते हो और आप एक बार में ना कितना पोस्ट को अपलोड करते हो। लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि भाई एक बार में 10-20 पोस्ट करना चाहिए, तो ये क्या सही बात है? लाइक आप कितने पोस्ट करते हो ये बताइए। देखो भाई मैं टाइमिंग बता देता हूँ, मैं फोटो पोस्ट करता हूँ सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, ठीक है। फोटो आप एनी टाइम अपलोड कर सकते हो, और हाँ फोटो एक साथ में अपलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर एक साथ में अपलोड करोगे तो तुम्हारा जो फॉलोवर रहता है ना वो दिक्कत हो जाता है। अगर एक साथ में 10 पोस्ट आ जाएगा तो कोई सोचता है कि ये बंदा डेली का पोस्ट करता है, फिर आपका ये पेज पर मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता वो आपको। क्या कमरा आप शेड्यूल पोस्ट आता है, अगर आपका टाइम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप शेड्यूल पोस्ट कर सकते हो हर 50 मिनट में, हर 30 मिनट में। मैं वही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ एक साथ मतलब पहले सुबह फोटो बना लेता हूँ, 20 फोटो डेली बना लेता हूँ, उसके बाद शेड्यूल पोस्ट कर देता हूँ सुबह से लेकर रात तक, मेरा हर 30 मिनट के बाद फोटो पोस्ट होता ही होता है। तो भाई देख सकते हो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका भाई ने बताया, और अगर ये भी तरीका आप यूज करोगे तो यार सही रहेगा, ठीक है। बाकी बहुत ही अच्छा लगा भाई ने यार सारा कुछ बता दिया, लेकिन अभी सबसे खास बात भाई ने नहीं बताया कि भाई अभी के टाइम पे यार इतने सारे पेजेस से कितना अर्निंग कर रहे और इनका मंथली का अर्निंग कितना हो जाता है। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ पेजेस का अर्निंग रिवील कीजिए मेरे ऑडियंस के सामने, कि आप एक एक पेज से कितना लाइक अर्निंग कर रहे हो ना आप मेरे ऑडियंस के साथ रिवील कीजिए, और लाइक कुछ मतलब दिखाइए मेरे ऑडियंस को, और मेरे ऑडियंस को एकदम मोटिवेशन जगा दीजिए फेसबुक पे काम करने के लिए। देखो अगर मोटिवेशन की बात करो तो मैं ये बता देता हूँ, मैं आया था इसके चैलेंज पर 8 मंथ पहले, ठीक है। तो 8 मंथ से मैं क्या क्या अचीवमेंट किया हूँ सबसे पहले वो समझ लो, और मैं फोटो भी दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। पहले मैं लिया था एक DSLR का कैमरा, वो 30,000 का पड़ा, एक 20,000 का लेंस लिया, ठीक है, एक 20-22,000 का फ़ोन है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक स्टूडियो बनाया छोटा सा, उसका भी मैं फ़ोटो दे दिया, और अब मैं थोड़ा गाड़ी वगैरह की अभी ट्राई कर रहा हूँ लेने के, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। और मेरा जो अंथली मतलब मंथली इनकम की बात करूँ तो इस मंथ मेरा आया है $350, मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हूँ, ठीक है, $350 आया है, मतलब सोच के तो मैं $350 का हो रहा है, 30,000 रुपया मेरा आया है बोनस से, और स्पॉन्सरशिप में मेरा आता है मतलब मंथली का 15,000-20,000। भाई आप समझ सकते हो लाइक मतलब फेसबुक से भाई अर्निंग कर रहे हैं और लाइक स्पॉन्सरशिप से महीने का भी अर्निंग हो जा रहा है, मतलब आप एक तरीके से बोलो कि महीने का 50,000-60,000 तो निकाल ले रहे हैं। लेकिन भाई आपने बोला था मेरे पास 5 पेज है, तो यार पांचों पेज का जोड़ के मतलब टोटल आप बताइए, पांचों पेज का जोड़ के और पांचों पेज पर स्पॉन्सरशिप भी अगर करते होंगे तो मतलब पूरा टोटल कैलकुलेट करें तो आपका कितना मंथली का पैसा बन जाता है सब ओवरऑल टोटल करें तो मेरा मतलब फेसबुक जो बोनस की बात करें तो बोनस में मेरा मंथली निकल जाता है सब पेज का, अगर मैं स्टोरी लगा हुआ 1 महीना तक तो मेरा आ जाएगा उसमें 30,000-40,000 रुपया स्पॉन्सरशिप से, और जो मेरा फेसबुक बोनस है उसमें 5 पेज मोनेटाइज है, तो एक में आया है $350, एक में आया है $150, ठीक है, एक में आया है $200, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आ जाएगा। तो टोटल मिला के मेरा हो जाता है यहाँ स्पॉन्सरशिप से आ जाता है 30,000-40,000, और बोनस से आ जाता है मेरा मंथली का $500-600 तक। मतलब आप एप्रोक्स भाई बोल सकते हो कि यार बोनस से मंथली का 50,000 प्लस आता है और स्पॉन्सरशिप करके भी आ जाता है, मतलब यार 1 लाख के करीब इनका हर मंथ पेमेंट आ जाता है, जो कि यार फेसबुक पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं और इतना अच्छा खासा भाई रेवेन्यू निकाल रहे, ठीक है, हर मंथ 1-1 लाख रुपया बहुत ही ज्यादा होता है। और बाकी बात भाई रेगुलर मंथ हर मंथ अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं और आगे भाई और इससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि भाई का जो काम करने का प्रोसेस रहता है सबसे ज्यादा अलग रहता है। और भाई ने यार सारा कुछ आपको सिखाया कि कैसे फोटो मैं लेता हूं, कैसे अपने फोटोज को मैं वायरल करता हूं, कैसे मैं अपने हैशटैग लगाता हूं, बाकी बात किस टाइम पे अपलोड करना है, भाई ने आपको सारा कुछ बता दिया। लेकिन भाई से मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो को देख करके ना कोई भी फोटोज को कॉपी पेस्ट करना चाहे तो उसको इजी वे में आप समझा दीजिए कि वो कैसे कर सकते हैं और कैसे उनको जल्दी से परफॉर्मेंस बोनस मिल सकता है और कैसे वो बहुत ही कम समय में फेसबुक से अपना रेवेन्यू को स्टार्ट करें। देखो अभी जो बोनस दे रहा है अभी फेसबुक हर क्रिएटर को दे रहा है, ठीक है,
अगर आप 5 पेज बनाओगे तो उसमें से आपको 3 पेज पर मिल ही जाएगा बोनस, ठीक है। तो 3 पेज पर अगर बोनस मिल गया तो बहुत ही अच्छा अमाउंट निकल सकता है, क्योंकि जो मैं प्रोसेस बताया हूँ ऐसे तरीके से आपको पेज पर काम करना। मैं एक एक पेज से 6 महीना तक पेमेंट लिया हुआ, अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो फोटो को पोस्ट नहीं करता हूँ। मैं बोला था मैं कि मैं रील्स के थ्रू फोटो बनाता हूँ उसके बाद अपलोड करता हूँ, इसीलिए मैं रेगुलर हर मंथ पेमेंट लेता हूँ, ठीक है। और फोटो वायरल करने के लिए पूरी प्रोसेस बता दिया। और हाँ, अगर आपका अर्निंग नहीं हो रहा है और अगर आपका पेज पर फॉलोवर है, कम से कम 10,000 भी फॉलोवर है, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा और मेरा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो भाई देख सकते हो यार, सारा कुछ भाई ने यार आपको इजी वे में समझा दिया और सारा कुछ भाई अच्छे से बता दिया, लाइक पूरा फेसबुक के बारे आपको A to Z जानकारी मिल गया होगा कि कैसे आपको फोटोज को कॉपी पेस्ट करके यार अर्निंग करना है, और भाई कैसे फोटोज को डाल के ना अच्छा खासा भाई अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बात भाई, भाई को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा जो यार अपना टाइम निकाल के मेरे चैनल पे आए और मेरे ऑडियंस को इतना सारा कुछ बता के इतना ज्यादा यार मोटिवेशन मेरे ऑडियंस को दिए। तो भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू। चलो गाइस, आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाई पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो भाई प्लीज एक लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। चलो बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।